जी सत श्रीकाल जी सारू निकल करके आज फिर एक गाड़ी लेके आए हैं। एसी खराब, कंप्रेसर खराब, कंप्रेसर सीज हो गया है, पूरा ब्लैक मार गया है। ये देखिए मैंने पूरा खोला, यहाँ से पूरा ब्लैक दिख रहा है अंदर, है ना, पूरा काला मार गया है। अब ये देखिए मैं पूरा लाइन को खोल के हम एक केमिकल से कंप्रेसर में पंपिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पंपिंग नहीं है। लाइन मैंने खोली है, लाइन खोलने के बाद में ये जो हमारा जो एसी लाइन क्लीनर है, ऑयल क्लीनर, तो इसमें हमने लाइन में डाल दिया है। देखिए इसमें लाइन में पूरा कचरा है, अपने आप बाहर आएगा इस तरफ भी, है ना। इसमें क्या है कि मिक्सिंग ऐसे करना है कि करीब एक लीटर पानी में एक ढक्कन ये डालेंगे, तब जाके ये क्या है कि आपका लाइन क्लीन होगा, तब जाके इसको सही शॉर्ट फिटिंग होगा। क्योंकि इतना महंगा कंप्रेसर डाल रहे हैं तो लाइन वाइन अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर से ख़राब कर देगा, इसलिए ये सब चीज़ें लाइन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पूरा पाइपलाइन हमने बाहर निकाल ली गाड़ी से, साफ़ कर रहे हैं, है ना। ठीक है, फिटिंग विटिंग करके फिर बताते हैं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, फाइनली हमने जो सारा केमिकल से धो लिया है, कूलिंग कॉइल को पेट्रोल से भी, पेट्रोल से भी पूरा साफ कर रहे हैं। क्या है कि जो हमारा केमिकल है वो पानी में डलता है तो उसका एक क्या है कि अंदर में जितना भी पानी वानी का थोड़ा बहुत जुकाम रहेगा उसको साफ करने के लिए हमें पेट्रोल से धोना पड़ता है। अभी अभी पेट्रोल से धोने के बाद अभी एक कंडेंसर को भी हम पेट्रोल से धोएंगे। कंडेंसर का नया जो है इसमें यहाँ पर जो बोरी वाला फिल्टर लगेगा भी नया डालेंगे। पूरी लाइन हमारी क्लीन हो गई है, अब बस फिटिंग का प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। अभी कूलिंग कॉइल को क्लीन कर रहे हैं, हो गया। बस ये सब क्लीन करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट छोड़ेंगे तो क्या है कि जितना भी अंदर का पेट्रोल और पानी रहेगा वो अपने आप सूख जाएगा, उसके बाद अपन फिटिंग चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।